हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनवी सूद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एक गाने से इंटरनेट स्टार बन चुकी रानू मंडल इन दिनों किसी ना किसी वजह से चर्चाओं में बनी ही रहती हैं। हाल ही में वो हैवी मेकअप को लेकर ट्रॉल हुई थी। सोशल मीडिया पर यूजर्स रानू मंडल की हर एक्टिविटी पर नजर रखते हैं। अब रानू मंडल का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपना ही गाना भूल गई। रानू मंडल को हिमेश रेशमिया ने अपनी फिल्म में गाना गाने का मौका दिया। उनका गाना तेरी मेरी कहानी काफी पॉपुलर हुआ और हिट भी हो गया। इस गाने के बाद रानू मंडल को कई दूसरे गाने भी मिले। जिस गाने ने रानू मंडल की किस्मत बदल दी वही गाना जब स्टेज पर गाना था तो वो लिरिक्स ही भूल गई। रानू मंडल एक इवेंट में पहुंची थी जहां पत्रकार बरखा दत्त होस्ट थी। बरखा दत्त ने रानू मंडल से गाना गाने के लिए कहा, जिस पर रानू मंडल कहती हैं, मैंने हिमेश जी के साथ थोड़ा गाया है, वो गाऊं? बरखा दत्त कहती हैं, हाँ वही गा दीजिए। इतना कहते ही बरखा दत्त माइक रानू मंडल को पकड़ा देती हैं। रानू मंडल गाने के लिए तैयार होती हैं, तभी वो कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहती हैं और सोचने लगती हैं। फिर वो कहती हैं, ओ माय गॉड, मैं भूल गई। बता दें कि रानू मंडल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसके चलते कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करना भी शुरू कर दिया है। आइए दिखाते हैं आपको कुछ ट्वीट्स। मेन एग्जाम आफ्टर राइटिंग हाफ आंसर, रानू मंडल तू बड़ा डिटॉल का धुला है। ओ माई गॉड, डेट इज द एंड ऑफ लेजेंडरी रानू मंडल्स करियर, वाई डू यू डू दिस बरखा? मुझे लगता था मेरी ही याददाश्त कमजोर है, बट रानू मंडल फॉरगॉट द लिरिक्स ऑफ नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर। तो देखा आपने, रानू मंडल को एक बार फिर से लोगों ने जमकर ट्रोल किया है। पिछले दिनों रानू मंडल की एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें वो हैवी मेकअप में दिखाई दी थी। इस फोटो को लेकर रानू मंडल को जमकर ट्रोल किया गया था। हालांकि बाद में इस बात का खुलासा हुआ था कि जिस मेकअप वाली फोटो के चलते वो ट्रोल हो रही थी वो फेक थी। वैसे आपको क्या लगता है, गाना भूल जाने के चलते रानू को ट्रोल करना ठीक है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। उसके बाद आशिकी का रिक्रिएशन है, एक टिकटॉक नाम का गाना है जो बहुत ही ज़बरदस्त गाना है। और उसके बाद एक गाना है हमारा, कह रही है नज़दीकियाँ फासले हैं अभी दरमियाँ। तो ये गाने जब बाहर आएंगे, फिर रीमिक्सेस आएंगे, सारे गानों के रीमिक्स वीडियोज़ है, फिर मैशअप आएगा और उसके बाद जाकर ट्रेलर आएगा जिसमें रिलीज डेट अनाउंस होगी। तो ये ओवरऑल पहले होता था, 3-4 महीने पहले म्यूज़िक आता था और फिर पिक्चर का ट्रेलर आके पिक्चर आती थी। तो ट्रेलर के बाद रिलीज डेट आ जाएगी और उसके बाद हम रिलीज़ कर देंगे। लेकिन म्यूज़िक रिलीज़ से पहले हिट करने की जो स्ट्रैटेजी थी वो बहुत डिफरेंट थी। आज एक केस स्टडी थी और वो इस कदर रंग ला रही है, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, वो सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद है, रानू जी की किस्मत है, एक लोगों का जो आशीर्वाद है और मेरी पूरी टीम का सपोर्ट है, जिन्हें मुझे जिस तरह से मुझे ये स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने दिया, एंड आप लोगों का प्यार है कि इसके म्यूज़िक को इतना ग्लोबली हिट बना दिया। अब इस फिल्म को देखने का जो लव स्टोरी का कनेक्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज ये फिल्म एज एन एक्टर मेरी वो कोशिश है कि एज एन एक्टर आपको बहुत बड़ा री इन्वेंशन मिले। हिमेश एज एन एक्टर मेरी 10वीं फिल्म है एज एन एक्टर, और मैं वो फ्राइडे की तलाश में हूँ जो हर एक्टर की ज़िंदगी में एक वक्त आता है, मेरी जंजीर या मेरी कबीर सिंह, हैप्पी आर डी हीर हो, ये मैं दुआ करता हूँ, क्योंकि उतनी मेहनत हुई है, एक री इन्वेंशन है जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। मेरी 10 फिल्में एज एन एक्टर में, 2-3 फिल्में चली है, बट ऑन एज एन एक्टर आई एम एट ग्राउंड जीरो लेवल, एंड इफ आई वांट टू कम देयर आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड एंड विच वी ट्राइड टू। तो 3 बजे जब फिल्म रिलीज होगी तो आपको एक बहुत नया कनेक्ट मिलेगा इस फिल्म में, एक नया हिमेश मिलेगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, और एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी मिलेगी जिससे आप कनेक्ट कर सकेंगे। और मैं जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हर इंसान ने कभी ना कभी किसी न किसी से प्यार किया है, तो वही प्यार की दास्तान तेरी मेरी कहानी के जरिए, सारे गानों के जरिए हैप्पी आर डी हीर में आपको नजर आएगी। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, अब क्या फील हो रहा है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स लोगों के थ्रू मिल रहा है, इंटरनेशनल सेंसेशन बोला जाता है आपको इंटरनेट का, क्या कहना चाहिए? जी, मैंने उनका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे बनाया है, उनकी और ऑफ कोर्स इनकी, क्योंकि इन्होंने मुझे सिखाया गाना, तभी मैं गा पाई। जो नया गाना उन्होंने सिखाया, नया गाना तो मैं जानती नहीं थी, मगर उन्होंने सिखाया तभी मैं गा सकी। और पहला गाना इन्होंने 3 से 4 घंटे में पहले गा लिया,
पहली बार हेडफोन के साथ उनका कनेक्शन बन रहा था तो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन बहुत करेक्ट, बहुत अच्छा गाया। पर दूसरा गाना आदत जो अभी आ रहा है वो इससे अच्छा है, और मैं आपको कह रहा हूँ वो 2 घंटे में गाया, बहुत तरीके से वो आलाप ही दिया। हाँ, आलाप अभी आया है, अब मैं उसका मेकिंग बहुत जल्दी लोगों के सामने लाऊंगा और फिर वो गाना आएगा। आदत बहुत खूबसूरत गाया है, और आशिकी तो और भी जल्दी हुआ, तो अब उनका पिकअप सेंस एक प्रोफेशनल की तरह हो गया है, और वो ट्रेनिंग लेसन्स भी ले रही हैं। मेरे डैड भी जिन्होंने मुझे सिखाया वो उनको टिप्स देने वाले हैं, और आगे मैं चाहता हूँ बस इनको आगे लेके जाइए, प्यार दीजिए इनको। क्योंकि कोई भी फैमिली में से जब एक आर्टिस्ट, एक टैलेंट बाहर निकलता है तो करोड़ों लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, कौन सा दिन कब ऊपर वाला आप पे मेहरबान हो जाए। सो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगा कि बहुत बहुत ही ज़बरदस्त, कभी ना कभी कोई ना कोई टाइम आता है अगर आप बस मेहनत करते रहिए। क्या कहना चाहेंगे, जब हिमेश सरकार के पास ऑफर आया था सॉन्ग करने का, उस वक्त क्या फीलिंग थी, करना है नहीं करना है, क्या था वो? नहीं, मैं उनके साथ गाने के लिए तो मेरी एक शौक, क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं, इट्स माय प्लेजर, इंग्लिश में ये वर्ड बोलता है, और हिंदी में क्या बोलते हैं, सौभाग्य है, सौभाग्य क्या बोलते हैं, वो मैंने सोची। मगर उनके ऊपर तो हमारे जो हमें बनाया वो मतलब उनका मेहरबानी, उन्होंने जिस तरह से उनको चलाया, डायरेक्शन किया है, तो उनके ज़रिए ये मुझे मिला, तो इस बात का तो मुझे गर्व है और टैलेंट भी, और वो सब ऊपर वाले का करिश्मा है सचमुच। जो पूरा, जब मैं तेरी मेरी कहानी के लिए, इस हैप्पी आर्डियर में एक लव स्टोरी के लिए जो गाना ढूंढ रहा था, वो कंपोजिशन के तौर पे था, ड्यूएट के तौर पे मैंने गाया था, लेकिन जो आलाप में मुझे एक नई आवाज़ चाहिए थी, वो उसी मोमेंट पे जब टाइम हो गया था रिलीज़ का, तब सुपरस्टार सिंगर में मैं जब जज कर रहा हूँ और सामने वो आती है और वो एक प्यार का नगमा गाती है, और मुझे लगता है कि बिल्कुल ये करेक्ट है तेरी मेरी कहानी के लिए, और तेरी मेरी कहानी इस लेवल पे नंबर वन हो जाता है कुछ ही दिनों में, ये तो ये बिल्कुल सिर्फ चमत्कार है। ये हमने कुछ नहीं कहना, बहुत पावरफुल मीडियम, बहुत ही पावरफुल मीडियम है सोशल मीडिया, बहुत ही यू नो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस कर सकता है, बस आपकी नियत सही होनी चाहिए, नियत में बरकत है, मैं ये हमेशा मानता हूँ। तो उसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आप लोगों का योगदान है, जिन्होंने ग्लोबली एक ही साथ में कुछ ही घंटों में इसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। आतिंद्र चक्रवर्ती के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, रेलवे स्टेशन के बाद जब करते हैं तो उनकी उन्होंने अगर वीडियो ना करने का इरादा रखते तो शायद ये भी शायद की बात है, ये नहीं हो सकता था शायद, क्योंकि मैं बॉम्बे आने के लिए मैं प्लेन में आई, तो मैं अगर मुझे आने का जो दिल था या फिर मैं सोच रही थी कि मैं आऊँगी तभी ना सही, लेकिन कभी ना कभी मैं बॉम्बे में आऊँगी, बॉम्बे में तो रह चुकी हूँ, मगर फिर भी जबकि मैं एक सिंगर की हैसियत से मैं आना चाहा, तब मैं सोचने लगी थी मैं आऊँगी, लेकिन कब आऊँगी ये मुझे नहीं पता था। लोगों ने आपको लता मंगेशकर के वॉइस में कंपेयर किया, वॉइस के जी जी क्या फील हो रहा था, क्या कहना चाहेंगे? जी, क्योंकि मैंने जितना गाना गाया पहले, क्योंकि जैसे कि शोर पिक्चर तो उन्हीं का, वो आवाज़ तो उनकी है, तो उनकी आवाज़ से मैंने गाना गाया, उनकी आवाज़ मतलब उन आवाज़ जैसे कि वो जिस तरह से गाया, उनका उसका गाने जितना भी था पुराना जो मैंने गाया ओल्ड गाना, तो सभी तो लता मंगेशकर की है, तो मतलब उनको भी कोई राइटर ने उनको सिखाया, यहाँ तक कि उन्होंने बंगाल में जाके भी मैंने सुना उनके बारे में, या तो रेडियो में भी बोला कि हेमंत जी जो था वो भी लता जी को कुछ बांग्ला सिखाया, क्योंकि उनको बांग्ला नहीं मालूम था, वो तो यहाँ का महाराष्ट्रियन है लता जी, तो मंगेशकर तो उनको भी बांग्ला में जाके सीखना पड़ा था, लेकिन वो उसने कोई मतलब ऐरा गहरा कोई इंसान से नहीं सीखा, बल्कि वो वहाँ का हेमंत जी जिसका नाम, वो भी एक रेडियो आर्टिस्ट, उनके पास से उन्होंने सीखा लता जी ने बंगाली गाना, क्योंकि उनको तो नहीं मालूम था बंगाली गाना, फिर भी उनका जो आवाज़ जैसे कि उसको कोकिल कंठ से उसका उपाधि मिला है ना, तो उसके हिसाब से उसकी आवाज़ सचमुच खूब ही बहुत खूब है। जैसे कि हीरो पिक्चर में जैसे वो गाना है,
हम्म,